फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कश्मीर के गुलमर्ग में। इंडिया के ताज कश्मीर के अंदर गुलमर्ग के अंदर हम पहुंच चुके हैं और आज बर्फ की चादरों से ढका हुआ है पूरा कम। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देख 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 और अंत है। मेरी मम्मी मारेगी। जो पैर के जाएगा कहाँ? वादियों में जाऊंगा पहाड़ों की। जब मैं घर से आया था तो घर वालों ने चैलेंज करा था कि कपड़े लेके चला, जब वहाँ ठंड मिलेगी। अरे मैं कहा मम्मी कहाँ ठंड मिल रही है। ओ भाई एक बार रेडी वेडी होले में सामान ऐसा सारा फैला पड़ा और सबसे बड़ी बात फैला पड़ा हमारा। हम कह रहा मेरा जुकाम हो रहा, मैंने गर्म पानी करवा दे, गर्म पानी करवा दो। तबियत खराब है वाकई में, तबियत खराब ना ऐसी ढोंगी है तो पता है इसके गांव का नाम ढोंगी तो ढोंग भरता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड बात, आज सागर भाई का बर्थडे है और नूत मान्यो कि हमने यहाँ बर्थडे मनाना है, ऐसी मौज लेना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बर्थडे बर्थडे मनेगा तो अपना बर्थडे अपनी जगह वहां जाकर मन जाएगा, मेरठ वेरठ जाके यहाँ पे जिस काम के लिए है उस काम को करेंगे। तो आप व्लॉग को बिना स्किप करे देखो यार, आज बहुत तगड़ी चीज होने वाली है। तो गाइस कुछ यू हमारा रूम है, यहाँ से एंटर करा, यू वाला रूम है कुछ, बस एक बेड पड़ा, यहाँ से टॉयलेट वॉशरूम, उसके बाद भाई हमारा सामान फैला पड़ा। ये हमारे कुछ बैग है जो हम कंधों पे लेके चल रहे हैं, आशीष है यहाँ पे। और यार हमके नाना बस ये मान लो बहुत बड़े स्कैमर है, मतलब स्कैमर तो है पर हमारे साथ स्कैम कहाँ कर सके। इन्होंने कही लोग वहाँ पे रूम पे आते क्या कही थी आशीष, क्या कह रूम में? रूम में वाईफाई है, गर्म पानी है, गीजर है, ये है, वाईफाई की स्पीड आ रही है 15-20% उसकी, केबी की बताओ स्पीड। अरे एमबी की नुगारी ना 50 MB की स्पीड देगा वीडियो अपलोड कर दियो। हमारा इतना बढ़िया हाल में चूते खेचा इसकी उम्मीद नहीं भाई, बहुत बड़े स्कैमर है। लेकिन यार सबसे बेस्ट तो मैं इस मामले में, मैंने आपको पहले भी लोगों में बताया था, उत्तराखंड है भाई, अपना उत्तराखंड जिंदाबाद। आज इसको गर्म पानी चाहिए पूरे होटल में, नुगारा गर्म पानी खोल दो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पानी कैसा आनू बता पहले। पानी हाँ। पानी इतना ठंडा है कि हाथ भी कट चुके हैं हमारे। चल पर रेकू। और जी सागर भाई ने आज जोड़ दिया हिसाब, किक के हिसाब वो हमारा अब तक। चले भाई चलो। लो जी हमारे तो हर जगह यार बारिश मार मार है, मतलब अभी रूम से निकले 400 मीटर बारिश पड़ने लगी बहुत तेज तेज। तो वहां पे एक चाय की टपरी पे चाय वाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं यार अगर बारिश रुकती है, क्योंकि यार चलो 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 क्या धुआं निकल रहा है मुंह से। कश्मीर की वादियों में कतई कश्मीरी कश्मीरी हो रहा है। तो गाइस अभी हमें जाना है फिलहाल यहाँ से बटमालू, क्योंकि गुलमर्ग तक जाने के लिए कोई डायरेक्ट साधन नहीं है, यहाँ से बटमालू, बटमालू से टनमर्ग, टनमर्ग से गुलमर्ग। तो अभी बटमालू जाने के लिए यहाँ से अंकल जी से 20-20 रुपए मोटर लिया है, यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ेगा बटमालू और उसके बाद हम जाएंगे टनमर्ग फिर गुलमर्ग। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बटमालू, बटमालू से मतलब जैसे मान के चलो हमें गुलमर्ग जाना है तो गुलमर्ग के लिए डायरेक्ट यहाँ से नहीं मिलता, स्टेप बाई स्टेप गाड़ी मिलती है। तो श्रीनगर से बटमालू, बटमालू से टनमर्ग, टनमर्ग से गुलमर्ग। तो अभी हम यहाँ से बटमालू पहुँच चुके हैं, बटमालू से जाएंगे हम यहाँ से सीधा टनमर्ग, टनमर्ग से देखेंगे क्या मिलेगा। तो अभी जो सामने गाड़ी खड़ी है ये 100-100 रुपए में यहाँ से टनमर्ग तक पहुँचाएगी। टनमर्ग यहाँ से 40 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कम ही। ओके ओके हाँ तो 38 किलोमीटर है, उसके बाद शायद 12-14 किलोमीटर ऊपर गुलमर्ग है। हमारी सीट यहाँ पे कंफर्म है, लंबे सफर पे किसी ठीक आदमी को लाएंगे। आशीष ठीक आदमी नहीं है क्या? नहीं होना बिल्कुल भी। केड़ा केड़ा देख रहा क्या कह रहा स्वागत आदमी ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मूंगफली खुआ रहा तो ठीक है। हाँ वो बात एक अलग है, खिलाता पिलाता रहेगा तो ठीक है,
खाली हाथ फैला के बैठ गया तो बेकार भाई। गुड़ भी ले गए हम और साथ में ले गए मूंगफली। कश्मीर के अंदर गुड़ मूंगफली चल रही है। पकड़े के यहाँ पता है, चिल्ला के मत बोलिए वरना जहां वहीं काट दूंगा जमीन में। यहाँ पर कोरमर बिरयानी बर्फ में धंस जाऊं भी आज। गाइस फाइनली 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 भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम चंदमर्ग और आप देख रहे होंगे। ओह माय गॉड सागर भाई कैसा लग रहा है? ओ भाई आशीष क्या मजा आ रहा है? ओ भाई भाई देखो सामने टनमर्ग में ही हमें बर्फ देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा बर्फ मिलेगी हमें गुलमर्ग में जब भी हम वहाँ पे जाएंगे। अभी एक बार देखते हैं बैग वैग उतारते हैं गाड़ी से। यहाँ पे तो स्टार्ट हो चुकी है बर्फ बस भाई ये देखना था। अभी तो कुछ भी नहीं आगे दिखाते। हाँ भाई मजा आ गया भाई मजा वसूल हो गया। पैसा वसूल कर रहे सागर भाई तो ये पे गर्म गर्म पकौड़े और बाहर जन्नत। सागर भाई का हैप्पी बर्थडे। आशीष बर्थडे विश कर। भाई स्नो में सागर भाई का हैप्पी बर्थडे। मैं तो मानता हूँ कि यार जिंदगी का सबसे अच्छा हैप्पी बर्थडे सागर भाई का। तो जी टनमर्ग के अंदर हमारी गर्म गर्म चाय और अभी सागर भाई और आशीष गए बैग उतारना गाड़ी से। उसके बाद यार बर्फ का सीन दिखाता हूँ आपको कैसे कैसा है। इधर सागर भाई पढ़ रहे हैं इंग्लिश में अखबार कश्मीरी। कुछ समझ में आ रहा? हाँ क्या आ रहा? तस्वीर सारी देख रहा हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इतने अच्छे नजारों के बीच इन दोनों की लड़ाई हो रही है यार क्या करूँ मैं इन दोनों का। अच्छा जहाँ देखा भाई दबाओ जहाँ देखा भाई। यहाँ तो कम से कम पकड़ लो नेचुरल स्नोफॉल के बीच में भी तुम लड़ रहे हो। सो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे आए एक शॉप पे। यहाँ से हमें लेने जूते क्योंकि यार जो हमारे जूते हैं ये तो थोड़ी सी बर्फ पड़ते ही गिल्ले होगी तो यार हमें लंबे लंबे जूते लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें जाना है ऊपर बर्फ में। और इधर आशीष घर से बूट लेकर आया था ये भी काम के नहीं है। ये वाले जो एनसीसी का बूट लेकर आया था ये भी काम के नहीं है यहाँ पे आने के बाद। सावधान क्या था भाई यहाँ पे आने के बाद टन बर्फ आने के बाद यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है बर्फ भी है। ज्यादा बर्फ नहीं है मतलब थोड़ी बर्फ है लेकिन यहाँ पे आगे सब बावले हुए पड़े इस टाइम पे। मैं बताऊँ आज सबसे बड़ी बात क्या है सागर भाई का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। इकट्ठे केक यहीं पे कटेगा। आप सबको इनवाइट जल्दी आ जाओ बस कैसे करके आ जाओ। तो गाइस अभी यहाँ से हमें लेनी है एक बार गाड़ी टनमर्ग से। यहाँ पे यार यही ज्यादा रस पड़ता है कि यहाँ पे शेयरिंग में जल्दी से नहीं मिलता तो यहाँ से एक बार शेयरिंग में टैक्सी पकड़नी है जो 100-150 रुपए में हमें गुलमर्ग पहुँचा देगी ऊपर तक। उसके बाद तो यार बर्फ ही बर्फ रहेगी देखते हैं क्या होता है। हेलो सर आइए सर कम इनको वहाँ से गाड़ी नहीं मिल जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जिस गाड़ी में आप यहाँ से जाओगे ना ऊपर कोई गाड़ी आप गेट में रखा उसी गाड़ी में आप शाम को वापस आना है। गाड़ी के लिए हमने बात कर ली है। निकलो बाहर निकालो इसको। गाड़ी का किराया बहुत महंगा है यहाँ पे बात नहीं बन पा रही। 2000 मांग रहे इतना तो हमारा बजट नहीं। इतना हम मेरठ पे कश्मीर 500 रुपये में आए हम लोग और ये यहाँ से 50 किलोमीटर दूर 2000। सिलू क्या रहा गाड़ी का हुआ नहीं हुआ? गाड़ी बाप की रेल चल रही है। बाप की रेल चल रही है बहुत थक गया यार सच में कुछ भी नहीं मारे यहाँ तो मामला खराब हो रहा। सिलू कैसा लग रहा भाई? बहुत गीला गीला महसूस कर रहा हूँ। गीला गीला महसूस कर रहा फिर पिछा पड़ लिया इसने गीला गीला कर रहा फिर तो अरे सुनो तो लो फाइनली भाई हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। मैंने भाई का बर्थडे है और हम आज केक नहीं काटेंगे ऐसे काटेंगे ऐसे। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कश्मीर के गुलमर्ग में